السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. جامع الترمذي الشريف کی अभी एक रवायत आपके सामने पढ़ी गई है। जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लैलतुल क़द्र की एक ख़ास दुआ का जिक्र फरमाया है। उम्मुल मुबीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे बताइए अगर मैं शबे कद्र को पा लूँ तो मैं क्या पढ़ूँ। मैं अगर शबे कद्र को पा लूँ तो मैं क्या कहूँ क्या पढ़ूँ मुझे क्या करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ये पढ़ो तुम ये दुआ करो اللهم إنك عفو اے اللہ تو माफ़ करने वाला है करीम बड़ा करीम है बड़ा करम वाला है रहम वाला है सखावत और फयाली वाला है तुहिब्बुल अफ्व तू माफ़ करने को पसंद करता है। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है तू करीम है और तू माफ़ करने को पसंद करता है। अल्लाह ताला की खूब तारीफ बयान की जा रही है। दुआ का अदब ये है जब हम अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए उठाएं तो अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब तारीफ बयान करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब तारीफ बयान करें। देखिए दुआ की शुरुआत कैसे है اللهم انك عفو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کریم تو کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے تحب العفو اے رب تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے तो ड्राइवर अपना मुतालबा नहीं कि मुझको ये दे दे मुझको ये दे दे। दुआ का अदब ये है कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे तो मांगने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब तारीफ बयान करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खूब तारीफ बयान करें अल्लाह की हमद व सना बयान करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहिब्बुल अफ्व फ़ाफ़ अन्नी ऐ रब तू माफ़ करने को पसंद करता है तो अब तू मुझे माफ़ कर दे। शबे कद्र की ये दुआ है اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني। शबे कद्र में ख़ास तौर से इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इस दुआ में जो तालीम दी गई है वो ये कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़रत की दुआ करें। क्या कहा फ़ाफ़ अन्नी ऐ रब तू मुझे माफ़ कर दे तू मेरी मग़फ़रत कर दे। तो शबे कद्र लैलतुल कद्र या आखिरी अशरे की ताक़ रात है ये गुनाहों की मग़फ़रत की रात है। इन रातों में हमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए वो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़रत की दुआ करें कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे हमारी मग़फ़रत कर दे हम पर रहम फरमा।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवी है, उनको आपने खुसूसी जो तालीम दी वो यही कि तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। पहले अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की हम्द व सना, फिर उसके बाद अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कि तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे माफ़ कर दे, तू मेरी मग़फ़िरत कर दे। तो ये रातें मग़फ़िरत वाली रातें हैं। इनमें हमको, आपको और सारे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ करें। और ये जो दुआ सिखाया गया है, सिखाई गई है, इस दुआ को हम भी याद करें और इसके मफहूम को और उसके तकादों को समझने की कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको और सारे मुसलमानों को सब कदर से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको जन्नत अल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अकूल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम लिसान मुबीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु ग़फूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।